स्टार्ट। इस बगिया के फूल तोड़ना मना है। बगिया ही मालपानी की शान है। जब तक के झाड़ों पे फूल है, इस मालपानी की शान है। सबसे विनती करती हूँ, फूल है हमारी शान है, और जब कोई फूल झाड़ से टूटता है तो दिल मेरा खून के आंसू रोता है। सबसे विनती करती हूँ, यह इस गार्डन की हरियाली और इस फूलों की महकारी सदा अमन रहे, सदा चमन रहे। यही मेरा संदेश जा रहा है कि इस बगिया के सारे फूल सदा ही महकते रहे। इन फूलों से प्यार करो और इन फूलों में ही अपनी जान डालो। मालपानी की शान, फूलों की जान, मालपानी की एवरग्रीनता सदा बनाए रखो। यस, प्रकाश काळे नाव माझं। की पूर्ण देशाला सांगणं आहे की कोरोना मुक्त सुरक्षित राहावे ही माझी। मेरा नाम आकाश चौधरी है। शी मैं वो क्या क्या बनू शिव का। सबको मास्क लगाना है और सैनिटाइजर भी यूज करना है। इतना ही मेरा। इन सब से देशवासियों को यही संदेश है जो इनके दिल में है कि ये अपने अपना काम दिल से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। तो अगर आप सुनने वाले भी अपना अपना काम ईमानदारी से करें तो मुझे लगता है किसी परेशानी कोई भी कोरोना हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो 26 जनवरी को यही एक मैसेज मालपानी ग्रीन्स की सिक्योरिटी की तरफ से। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। स्टार्ट। मेरा नाम गणेश सिंह धामी। मैं सबको बोल रहा हूँ, सब ले अपना सेफ्टी आपसे करना है और सैनिटाइजर मास्क यूज करना है और सबसे सबले अच्छी तरफ से बैठना है, अपना सुरक्षा आपसे आपसे करना है, कोरोना से बच के रहना है। मेरा नाम रमेश थापा। मेरा कहना यह है, सबने मास्क लगाना है, सबने कोरोना से बच के रहना है। 26 जनवरी को क्या संदेश है आपका? मेरा नाम करण सिंह धामी। 26 जनवरी सबको मंगलमय भावना है और सामाजिक दूरी कायम करके अपने हिसाब से सैनिटाइजर यूज करके मास्क लगा के बनाना और मेरा कहना है। गुड आम्ही देशासाठी आमचं प्रण लावतो। तू बोल। आम्ही हे काम करतो स्वच्छ म्हणून, आमचं तुम्ही स्वच्छ राहा, आम्ही स्वच्छ म्हणून। छान नमस्कार करा। चेहरा आहे तुमचा, सॅल्यूट करते तिकडे बघा तिकडे। कि आप यहाँ जो गंदगी हम सभी की उठाते हैं, आपकी जान की परवाह लेके, जो आपने जान की परवाह को यहाँ पे तिलांजलि दे दी है और आपकी जान आप हथेली पे लेके घूम रहे हो हमारे लिए, उसके लिए हम सभी मालपानी आपको सैल्यूट करते हैं। बोल ना मीनाक्षी। आप हमारी जान हो, आपकी वजह से पूरी सोसाइटी क्लीन रहती है और इसकी आपकी वजह से हम अच्छी तरह से सुकून की जीवन जीते हैं। आपको हमारी तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट, ग्रैंड सैल्यूट फॉर ऑल ऑफ यू एचके टीम। धन्यवाद, आपकी सेवा अविरत चले और हमारा साथ आपके साथ हमेशा बना रहे। इस कठिन कोरोना काल में भी आपने ये सब कचरा उठाया, उसी से अंजाम है कि सारे लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित है। आज हम आपको भगवान के समान मान रहे हैं, क्योंकि जो गंदगी साफ करता है उससे ईश्वर का वास होता है। इसलिए हम आपको बहुत बड़ा सैल्यूट करते हैं। वंस मोर काय वाटलं आज? दुनिया को स्वस्थ आपल्यासाठी ही सेवा देऊन आल्या
तुम्हाला काय वाटते? मी मला काही बोला दोघी म्हणजे की म्हणजे तुम्ही हे काम करता तर तुम्हाला काय म्हणजे काय वाटते या कामात? काय 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 संदेश द्यायचा आहे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सगळ्यांना? देश के किसी काम आए नहीं हमारी मंशा। तो क्या बोलना है? कोरोना से सब बच के रहना है और हम लोग भी काम कर रहे हैं, सब 26 जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से बच के 26 जनवरी मनाएंगे। देशासाठी चांगली आहे। जय महाराष्ट्र। जय बर म्हण। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय हिंद। ओके। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हाय। अरे इस कोरोना पीरियड में ना कोई पिकनिक हो रही है, ना शॉपिंग हो रही है, ना कोई मॉल जा रहा है। बस अपनी मालपानी के गार्डन के बगिया में घूमते हैं, यहीं पे जम्मू कश्मीर मना लेते हैं, यहीं पे अच्छी धूम कर लेते हैं, पिकनिक कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी मस्ती का बहुत खुश होके एंजॉय लेते हैं। यहाँ है हमारी यलुजेड जिंदगी। सोचा था कि हर साल की तरह इस साल भी हम पिकनिक के लिए जाएंगे, लेकिन ये कोरोना इसकी वजह से तो हम इधर रुक गए। लेकिन सहेलियों बिल्कुल मायूस मत होना, अगले साल हम जरूर जाएंगे, दूर जाएंगे। हमारी अंजलि की बेटी की शादी है कश्मीर, कश्मीर जाएंगे टूर में, क्यों चिंता कर रहे हो? मायूस मत होना, हम तो हर साल की तरह एंजॉय तो करते रहेंगे, यही तो हमारी जिंदगी है सहेलियों। बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं, इस पीरियड में हम बहुत ही तंग आ गए। कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, प्रोग्राम बनाते हैं कैंसिल होते हैं, फिर से बुकिंग करते हैं कैंसिल हो जाते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे इवेंट्स खो दिए। इस साल पूरे घर में चार दीवारी में बंद हो गए, सिर्फ मास्क सैनिटाइजर, दिन भर हाथ भी सड़ गए उस सैनिटाइजर से। ये अब कोई नहीं है, अब भगवान पे विश्वास रखो, अपनी होप रखो, अगले साल हम अच्छे से सब कुछ करेंगे, आएंगे जाएंगे ऐश करेंगे। हमारी शादी है वहाँ ही, हम घूम के सबको लेके जाऊंगी। एलयूजेड सब इनवाइटेड है आज से ही वहाँ आने के लिए। ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। हाय सखियों, कैसी हो? समय हमें सब कुछ सिखा देता है ना, देखो कैसा समय आया और हम सब लोग जीना सीख गए। उसमें भी हम एंजॉय करते, कितना एंजॉय करते, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जब हमको चाहत होती तो राह निकल ही आती। कहते हैं ना, जितनी अंधेरी रात उतना ब्राइट उजाला होता है। तो धीरज से संयम से सब चीज़ें निकलती जाती हैं और रास्ता अपने आप निकलता है। तो हमें संयम और धीरज ने सब सिखा दिया, ये समय भी निकल जाएगा और हमने इसमें भी एंजॉय करना छोड़ा ही नहीं। मोबाइल हमारे साथ था, सखियों का साथ फिर भी रहा, घर से भी हमने खूब एंजॉय करा, बच्चों के साथ नया नया बहुत कुछ सीखा और अपनी सहेलियों के साथ मिलके भी गेम खेलते रहे, सब कुछ करते रहे। ये समय तो निकल ही जाएगा, हमेशा समय एक जैसा कभी भी नहीं होता, तो हमारा ये समय भी निकलना ही है और इससे अच्छा समय आने वाला है, ज़रूर आएगा। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप घर से भी अपना तिरंगा लहराएं और अपने देश के लिए जोर से सलामी से बिल्कुल सैल्यूट होके उमंग के साथ सलामी देंगे। यही मेरा संदेश है कि सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और आने वाला कल जरूर बहुत सुंदर होगा और आनंदमय होगा। जय हिंद, जय भारत। बूस्टर डोज लिया हमने और सोचा चलो आज पिकनिक मनाएंगे, पिक्चर देखने के मूड में। आज हमने बहुत मन बनाया था कि हम घूमने जाएंगे सब सखियों के संग, लेकिन गेट से वापस आ गए और इस माल पानी के ही बीच में रह गए। कहीं और आना जाना हमारे लिए तो नहीं है। बाकी लोग हमारे घर के भी जाते हैं, लेकिन हमको छोड़ा जाता घर में क्योंकि कोरोना, और से कोरोना को भगवान करे जल्दी से दूर हो जाए तो हम लोग थोड़ा तो इन्जॉयमेंट कर सकते हैं और आप लोगों के संग
घूमने जा सकते हैं, सब कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कभी हम लोगों की तबीयत भी कभी आगे होती है, कभी पीछे होती है, हम कभी बराबर नहीं रह पाते हैं, और इसलिए हमारे लिए घर में भी रोक लगती है, थोड़ा बाहर निकलने से भी रोका जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा इन्जॉय करने के लिए मौका ढूंढते हैं, लेकिन अभी 2-2.5 साल से मौका नहीं मिला। अब बताइए हम क्या करें। आपसे तो सीखना है, जिंदा दिली का नाम जिंदगी, जिंदा दिली का नाम जिंदा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, जिंदगी है, आज को जीले, आज को जीले, यही संदेश है आप। हाँ, हम ये संदेशा देते हैं कि आज को हम जीले, जो है कल का कोई भरोसा।